अकोला 24 न्यूज में मैं आशिक आपका स्वागत करती हूँ। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील में झंडा निकालने पर दो गुटों में तनाव निर्माण हुआ है, जिसके चलते अचलपुर एवं परतवाड़ा इन दोनों जुड़वा शहरों में संचार बंदी लागू की गई है। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील में रविवार रात 9:30 बजे के दरमियान दूल्हे गेट से परिसर का झंडा निकालने के विवाद पर दो समुदाय के आगे आने से तनाव निर्माण हुआ था, जिसके चलते पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ को वहां से भगाया गया, जिसके कारण एक बड़ा विवाद होने से टल गया है। घटनास्थल पर पुलिस का बड़ी मात्रा में बंदोबस्त बढ़ाया गया है। पुलिस द्वारा अचलपुर परतवाड़ा इन दोनों जुड़वा शहरों में संचार बंदी कलम 144 अनुसार लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस की टीमें भी शहर में बुलाई गई है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न रखते हुए नागरिकों को बिना वजह घर से न निकलने की अपील पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। दो गुटों में हुए पथराव में कुछ वाहनों की तोड़फोड़ भी की गई है, किंतु पुलिस ने अब परिस्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल किया है, जिसके कारण किसी भी अफवाह पर विश्वास न रखते हुए अचलपुर शहर में अमन और शांति कायम रखने की अपील की जा रही है। उसी तरह शहर में केवल रास्तों पर पुलिस प्रशासन द्वारा नागरिकों को घर के बाहर न निकलने की अपील की गई है। अकोला 24 न्यूज के लिए राजेश अमृतकर की रिपोर्ट। अचलपूर शहरामध्ये काल एका गटाने झेंडा फडकवल्यावरनं वाद निर्माण झाला होता। या वादाचं पर्यावसन दोन गटांमध्ये भांडणामध्ये झालं होतं। या संदर्भात अचलपूर पोलीस स्टेशनला 3 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत आणि 16 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। सध्या परिस्थिती अतिशय शांत आहे, बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणावर तैनात करण्यात आलेला आहे। अचलपूर शहर, परतवाडा शहर या ठिकाणी कलम 144 नुसार संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येत आहे, आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी अफवांवरती कुठेही विश्वास ठेवू नका। जर त्यांच्या कानावरती काही बातमी येत असेल तर त्यांनी अगोदर पोलिसांकडून त्याची चौकशी करावी आणि त्यानंतरच त्याच्यावरती विश्वास ठेवावा।